रहे हैं कि सनी लियोन भी आए हुए वहाँ पे, हम नाम पढ़े थे जो रशियन खरीदने थे। रशियन? अच्छा, 6,000 में। 6,000 में ये भी होता है, सब फिल हुआ होगा। वो तो होता ही है, बहुत निराश। कल अगर बंद होगा तब क्या, परसों आ जाएंगे और क्या देता। हम लोग भी अपना लाइफ का एंजॉय करते लोग और अपने घर पे जाते। लड़की वड़की नाचती है तो हम लोग देखेंगे। इसके बाद मालूम चल रहा है कि थिएटर अभी बंद है, अभी लाइसेंसी ना, निराशा और क्या। और मेला आना चाहते हैं और आप थिएटर के आशिक है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज 28 तारीख है और 25 तारीख से ही सोनपुर मेला स्टार्ट हो गया था और थिएटर ने अभी लाइसेंस नहीं मिला है, जिसके वजह से थिएटर के मालिक सभी रो रहे हैं। देख सकते हैं अभी मेरे पीछे ये है इंडिया थिएटर। देखिए बहुत सारे ऐसे आए हुए हैं थिएटर प्रेमी और निराश होकर चले जा रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। तो दोस्तों एक भाई साहब आए हैं बहुत आस लेकर थिएटर देखने के लिए, चलिए उनसे बात करते हैं कहाँ से आए हैं। अच्छा भैया आप कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो आपको चैनल को देखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आए हैं सीतामढ़ी से और स्पेशल थिएटर देखने के लिए आए थे। अच्छा। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि अभी ओपन नहीं हुआ है, 1-2 दिन बाद ओपन होगा, तो अभी यही तो जानकारी मिली है। अभी तो थिएटर बंद है तो आपको मतलब निराश क्या? निराश देखिए, मेला में काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बहुत उम्मीद से लोग आ रहे हैं कि हम जाएंगे मेला में तो थिएटर देखेंगे, हर चीज देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मालूम चल रहा है कि थिएटर अभी बंद है, अभी लाइसेंस ही नहीं मिला है। तो देखिए प्रशासन के वजह से लाइसेंस नहीं मिला है, अगर 1-2 दिन में मिल जाए तो चालू हो जाएगा। हमने भी पूछा है तो यही बात बताया है कि 1-2 दिन में चालू हो जाएगा, लेकिन आज भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पे 4 पर्यटन अभी बंद है और इतना खर्चा लगा कर आए हैं तो वही मन में थोड़ा निराशा और क्या, अब खर्चा तो होता ही है। तो यहाँ रुकना है या फिर जाना है? देखे रहे हैं, रात में घूमेंगे, फिर अगर ट्रेन मिल जाएगी तो चले जाएंगे, फिर आएंगे अगले हफ्ते आ जाएंगे। 1 महीने की मेला है। हाँ, 1 महीना 32 दिन का ये मेला लगता है। और अच्छा भाई साहब एक और है, देखिए एक और भाई साहब है, तो आप यहाँ पर मेला घूमने आए हैं? मेला घूमने आए हैं, आज तक थिएटर सुनते थे, सोचे पहली बार थिएटर में घुसेंगे, लेकिन यहाँ तो भाई साहब लोग बोल रहे हैं कि अभी कुछ होबे नहीं किया है, तो हम सोचे लड़की वड़की नाचती है तो हम देखेंगे थोड़ा सा लड़की देखने आए, मतलब थिएटर भी देखेंगे। देखेंगे तो नहीं है, पता नहीं, लेकिन सोचे थे एक झलक हम भी देख लेते हैं। थिएटर बंद है, लाइसेंस नहीं मिल रही है और थिएटर बंद है, लोग कितने आ रहे हैं जा रहे हैं निराश होकर। लेकिन 3 दिन से तो चालू है मेला, थिएटर का है बंद है, ये तो समझ में नहीं आता है। प्रशासन लाइसेंस नहीं दे रहे हैं इसके वजह से थिएटर बंद है। का थिएटर वाला जो पैसा लगाया तो उस सब के पैसा डूब रहा होगा, एकरा मतलब डूब रहा है, बताइए जरा। ये तो मतलब प्रशासनिक कितना व्यवस्था दिक्कत है बिहार में। तो अभी कहाँ से आए हैं आप? हम तो आ रहे हैं पटना जिला के हैं, सोनपुर जिला में आए हैं, सोनपुर सारण डिस्ट्रिक्ट में। सोचे व्यवस्था प्रसिद्ध मेला है सोनपुर का, ज्यादा निराश है और आगे भी है। बहुत लोगों आए ले देख रहे हैं कैसे हेलमेट वेलमेट दे के गया है, वो अगल बगल में आउट थिएटर है, सोचा कहीं शुरू हो गया होगा, फोन कर रहा है कि कहीं नहीं चालू है, बताइए जरा, कोई के परमिशन नहीं मिला है यहाँ। भाई साहब को बहुत ही ज्यादा दुख हो गया है और थिएटर नहीं चालू होने की वजह से, और भी बहुत है, ये सब देख के तो जा रहे हैं, इतने आती होगी तो वही देखने के लिए आए थे, लेकिन यही पोस्टरे में देख रहे हैं, अब क्या कहें। कोई बात नहीं, पोस्टर में देख के चले जाइए। एगो काजल के देखिए, काजल लिखल होगा कहीं। हाँ देखिए काजल, एगो माही मनीषा कौन 9-17 आयल थी सब, तो फेमस हुई है। अच्छा सनी लियोनी, सनी लियोनी भी आई। आप कह रहे हैं कि सनी लियोनी भी आई हुई है, वहाँ पे हम नाम पढ़े थे जो सोभा सम्राट थिएटर, सोभा सम्राट थिएटर में। हाँ, उसमें प्रियंका चोपड़ा, काजल, सनी लियोनी सब का नाम। अब ये तो भैया अब हम नहीं बता पाएंगे, अब जो ये डेट नहीं लिखा हुआ था। सोभा सम्राट थिएटर, जी जी जी। अच्छा आप भी थिएटर देखने आए हैं? जी भैया, हम लोग भी एंजॉय करने आए हैं। थिएटर आए लोग हम लोग मोतिहारी जिला से। मोतिहारी जिला से जी। अभी तो थिएटर बंद है और इतना आने में कष्ट भी हुआ होगा क्या? जी जी, बहुत ज्यादा कष्ट, आपको निराशा फील हुआ होगा? निराशा तो फील हुआ है, हम प्रशासन को यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इसको लाइसेंस देता। बहुत ज्यादा नुकसान, हम लोग भी अपना लाइफ का एंजॉय करते लोग और अपने घर पे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है थिएटर मालिक को, क्या कहना चाहते हैं जिला अधिकारी को? थिएटर मालिक को हम क्या कहें, जिला अधिकारी को क्या कहेंगे? जिला अधिकारी में थोड़ा यही दिक्कत है, रुपया उपया के लिए लेके कहीं इधर उधर करता होगा सबकी। जल्दी लाइसेंस दे देंगे तो कम रुपया देना पड़ेगा थिएटर वाला को, थोड़ा देर करेंगे तो थिएटर वाला ज्यादा रुपया लेगा सब, इसी कारण से आपको प्रशासन अभी सबको लाइसेंस नहीं दे रहा।
तो दोस्तों देखिए बहुत ही दूर दूर से ये फ्रेंड भी आया है। अच्छा इधर देखिए देखिए मतलब आ रहे हैं जितने भी थिएटर प्रेमी सब निराश होकर जा रहे हैं। इधर भाई साहब हैं, इधर ये भी देखने आए हैं। अच्छा आप कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। आप भी सीतामढ़ी से? जी। तो अभी थिएटर देखने आए? हाँ थिएटर देखने आए। अभी तो बंद है, क्या कहिएगा? हमको पता नहीं था सर बंद है कि चालू है, हम तो सोचते थे चलता होगा। तो अभी तो बंद है, अब मेला घूमिएगा? मेला घूम के चल जाएंगे घर आपस। 32 दिन ऐसे भी 32 दिन ये मेला लगता है, आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन इतना दूर से आए हैं केवल थिएटर देखने के लिए, बहुत ही निराशा फील हुआ होगा। वो तो होता ही है, बहुत निराशा है। थिएटर देखने? नहीं थिएटर देखने नहीं आए, दोस्त सब बोला था कि चलो एंजॉय करने, तो एंजॉय करना है। आप एंजॉय करने आए हैं? जी। अभी तो बंद है? अभी बंद है तो बंद हो, रात में खुलेगा तो एंजॉय करेंगे। रात में मतलब लाइसेंस ही नहीं मिला है थिएटर को? कोई दिक्कत नहीं भैया। आपका घर कहाँ है? मेरा घर दानापुर बड़े मेट्रो टोली से। बगल में है तो आप कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। हाँ ऐसा कोई बात नहीं, आज मूड बना आ गया। आज भाई साहब का मूड था लेकिन बंद है, आज निराश फील हुआ। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, आप सब है तो फिर निराश है कि होने का क्या बात है? निराश नहीं, इतना दूर से आए हैं तो मन में ललचा था कि फिर कल आ जाएंगे भैया, इसमें कौन सा बात है? कल अगर बंद होगा तब क्या? परसों आ जाएंगे और क्या, बहुत देख के जाना, लेकिन देख के जाना, देख के जाएंगे। उसमें वो खरीदना था रशियन, रशियन खरीदना था रशियन। अच्छा 6000 में? 6000 में ये भी होता है? अब सुने तो है हम भाई, नहीं सुने, आपसे पहला बार सुन रहे हैं कि रशियन में 6000 में मिलती है। मिलेगा मिला है, मतलब पिछले बार सोनपुर मेला में आए थे? पिछले बार हम नहीं आए थे, राजगीर मलमास राजगीर गए थे तो मिला था, तो वहाँ पे थे घंटा घंटा। ठीक है फोकस कीजिए, रशियन 6000 में मिला। चलिए अभी आज के लिए इतना काफी है, लाइक करें फॉलो करें भैया को। देखिए सभी थिएटर देखने के लिए आ रहे हैं और सभी निराश होकर जा रहे हैं, लेकिन थिएटर प्रेमी है और कह रहे हैं कि आज ना कल आकर हम देखेंगे। और यहाँ पर देखिए रशियन एक भाई साहब बता दिए हैं, हम कभी थिएटर में आए नहीं है लेकिन एक भाई साहब बताए कि यहाँ पर रशियन भी मिलती है 6000। आप भी आना चाहते हैं एंजॉय कीजिए, और ऐसे ही हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो में बने रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।